हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम हुमरा से हम अच्छे सुबह सनम सरदार मूवी के और कॉमेडी सीन लेकर आए हैं। हमने एक दो पीछे देखे और आजाद आके उन्होंने पागल कर दिया था। जल्दी देखते हैं, काउंट करते हैं, 3, 2, 1। सत श्री अकाल दार जी। सत श्री अकाल। ऐसे सबसे पुराना गुरुद्वारा कहाँ है? यहाँ तो सारे गुरुद्वारे पुराने हैं, नया तो कोई बना नहीं काफी टाइम से। सबसे पुराना गुरुद्वारा कहाँ है? ये तो कोई सबसे पुराना बंदा ही बता सकता है। इनसे पुराना महाराज जाना कहाँ है? सबसे पुरानी जेल बताए बूढ़े और ऐसे ये तो बोतल में। आने गुरुद्वारे के पीछे आमो वाला बाग है कोई? आहो पाजी, आप एक काम करो, सीधे जाओ। आगे एक लेफ्ट आएगा, एक राइट आएगा। आपको लेफ्ट नहीं लेना है, राइट लेना है। फिर सीधे जाओ कोई तीन मरले, फिर एक राइट आएगा, एक लेफ्ट आएगा। आपको राइट नहीं लेना, लेफ्ट लेना है। फिर सीधे जाओगे तो राइट और लेफ्ट दोनों आएंगे। आपको दोनों नहीं लेने, फिर सीधे सीधे सीधे। पाजी, आपने कभी गाइड बांधने की कोशिश की है? अच्छे हो आप देखते हैं। वैसे नाम क्या है जी आपका? जैसी आपका तो नहीं, पहली बार आया हो लगता है पिंड में। ओए नहीं जी, मैं तो इसी पिंड की बर्थ हूँ। अच्छा, आया बड़े सालों बाद हूँ। अच्छा, ये पहले कभी देखा नहीं आपको मैंने। खानदान कौन सा है जी? खानदान आप जी रंधावा। हाँ जी पाजी, मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। क्यों है? गड्डी खराब, अधूरा काम पूरा करने। ले कोई गल नहीं, मैं देखता हूँ। ना आपको जीप ठीक करनी आती है? ओए पाजी, मैंने बंदे ठीक कर दिए, जीप क्या चीज है? अधूरा काम पूरा करने आया है, यानी अपने बाप की मौत का बदला लेने आया है। ये गलत समझा है। ले, मैंने ले लेना है। ले उल्टा था। मार सीन देखा था इसमें? बोला था कि मैं मार स्टार्ट है। हां भाई, ट्रेन में बोला था। अबे देखा, हो गई ना स्टार्ट। यो है महाराज, कभी हंस भी लिया करो। पाजी हंसने को कहा है, डराने को नहीं। कोई पंजाबियों के दिल बड़े वड्डे होते हैं। शहर में किसी से रास्ता पूछो तो रस्ते लगा देते हैं। आप खुद छोड़ने आ गए हैं। पहुंच गए? आप ठहरो जरा, मैं आता हूँ। ओके जी। सुखी, सुखी। क्या बात है टोनी पाजी? तेरे को बोलता है या बोलता? पाजी दो दो खड़ी है, कोई भी ले लो। सारे ये नहीं, वो जो चलती हैं। पाजी दोनों की दोनों चलती है, चला कर देख लो। वो उल्लू दे पटिया वो जो उसमें डालते हैं। पाजी ये तो इसमें नहीं डाल सकते। तोड़ फटे मुंह। टोनी पाजी काम कर ले। और भाई जी, ये बंदूक चलती है? बेटा जी, ये बुलेट चलती है, ये बंदूक खड़ी रहती है। जड़ा बंदा बैठा सी कितने गया? इधर गया जी। तू तो गया पीछे लग रहा। ओ टेमी तू फेर आ गया। आज देखो पखी है, आज मैं नहीं छटवाया सारी तू मेरे को कोई मार। ओ यहाँ तो सीढ़ी हुआ करती थी। आप
बहुत ही पार्टी है भाई यार। हमारे गांव में भी इस तरह थापियां जो आग लगाने के लिए लगाई होती है। थापियां बोलते हैं हम थापियां। अच्छा तो भाई स्पाइडरमैन बना हुआ तहसीलदार दे ऑफिस चक्कर कटोगे ना ते चक्कर कटदे रह जाओगे। तुसी ऐ करो बिल्लू पाजी नूं मिलो। बिल्लू पाजी ना ना वीर जी जो कमिश्नर है ना वो बिल्लू पाजी ने लवाया। भाई मैं कहता हूँ मजा दे दिया, मजा दे दिया वाकई। मतलब कहते हैं बिल्लू पाजी लगा और वो जो पीछे लगा ना उसको इतनी पड़ी है कभी क्या करता है कभी पता चला खड़ी है। अच्छा उधर मतलब पंजाब में दो दो बुलेटे आए घर घर में पड़ी उधर खड़ी है। कहता है बुलेट वो निकालता कहता है इससे तो नहीं चलती। कहता चलती है कहता नहीं है तो इससे तो नहीं चलेगी। वो फिर दूसरे से लेता तलवार लेता क्या क्या मार खाकर आगे पीछे जा रहा होता है यार कितना पीछे वो जाता है उसका। अच्छा हमें इसके पहले हमने जो सीन देखा था ना वो जो उनके घर में होता है सारा कुछ ये इस वजह से शायद मेरे घर मिलने के चक्कर में जो है ना आगे जाता है। लेकिन उसको बाद में पता लगता है कि हमारा दुश्मन है हमारा दुश्मन है क्योंकि लेकिन दूसरे को पता होता है लंबे बाने वालों को लेकिन उसको गधे ने लाते मारी है पता नहीं क्या क्या कभी वो किधर गिर रहा है कभी क्या कर रहा है। कहता है यहाँ सीढ़ी बेचारा बड़ा मार के गया लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ। और कहता है क्या फैमिली कौन सी है ना अच्छा स्टार्ट में आता है कहता है इधर पुराना गुरुद्वारा कौन सा है। कहता है सभी पुराने कहता है मतलब सबसे पुराना कौन सा। कहता है ये सबसे पुराने लोग और खुद मेरे ख्याल से 100 साल के बाद 100 साल के थे तो उसको बड़ी मस्त होती है। इस तरह वहाँ पे इस तरह बैठे होते हैं कोई दरम्यान में बड़े से दरख्त के पास बहुत कमाल की होती है। आपको कैसे कहना है ऐसी वीडियो और भी इसके मूवी के सीन चाहिए तो प्लीज लाजमी बताइएगा हम और भी लेकर आएंगे। तो यार लाइक करना मत भूलना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार